यू आर वॉचिंग BitBNS News। हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। कार्डानो ने नया मुकाम हासिल किया, बिना आउटेजेस के 1760 डेज पार की। इलोन मस्क की टेस्ला निश्चित रूप से अपने बिटकॉइन होल्डिंग्स को बढ़ाने के लिए तैयार है, डोजकॉइन को एज मिलता है। शिब आर्मी ने पिछले कुछ दिनों में 150 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया। डोज और शिब के कीमतों में गिरावट के रूप में मीम कॉइन्स का मार्केट कैप $15.8 बिलियन तक पहुंच गया। ट्रेडर्स ने 17 दिनों में एक्सचेंजेस से इथेरियम में $3.6 बिलियन विड्रॉ किए। सर्वे के अनुसार साउथ अफ्रीका के आधे लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे अगर बैंक्स ऐसी सेवाएं प्रदान करें। फिनलैंड $47 मिलियन में 1889 जब्त किए गए बिटकॉइन को बेचता है और इसकी प्रोसीडिंग्स यूक्रेन को जाएगी। Web3 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑडियस हैक किया गया, जिसके वजह से $6 मिलियन के फंड्स चोरी गए। शिबा इनू हजारों बड़े इथेरियम होल्डर्स द्वारा सक्रिय रूप से यूज किया जा रहा है। GameFi उद्योग के राइज के बाद एक्सी इन्फिनिटी 10% से बढ़ जाता है। माई बिटकॉइन फाउंडर को दोषी करार दिया जाता है, कई साल की जेल की सजा दी जाती है। क्रिप्टो डोनेशंस कैलिफोर्निया के पॉलिटिशियंस के जीतने के चांस को बूस्ट करेंगे। सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स बैंक बोर्ड ने यूनिफॉर्म डिजिटल करेंसी अपनाने का आग्रह किया। कार्डानो ने एक बार फिर क्रिप्टोकरेंसी उद्योग में सबसे स्थिर नेटवर्क में से एक के रूप में अपनी रेपुटेशन साबित की है। जैसे कि कार्डानो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ने सुझाव दिया है, कार्डानो ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने के बावजूद, बहुत अधिक लोड के बावजूद, नेटवर्क लगभग 5 वर्षों से बिना किसी आउटेजेस के स्मूथ रूप से काम कर रहा है। टेस्ला ने अपने मेजोरिटी बिटकॉइन होल्डिंग्स को बेच दिया है। इलोन मस्क द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स कार निर्माता के पास अब बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी में केवल $218 मिलियन मूल्य है, जो कि $1.2 बिलियन से नीचे है। मस्क ने इस सप्ताह स्पष्ट किया कि बिक्री बिटकॉइन पर फैसला नहीं था और टेस्ला निश्चित रूप से भविष्य में बिटकॉइन होल्डिंग्स की वृद्धि के लिए खुला है, यह कहते हुए कि कंपनी ने अभी किसी भी डोजकॉइन होल्डिंग्स को नहीं बेचा है। शिबा इनू टोकन की कीमत बढ़ने की उम्मीद में शिब सेना शिब टोकन को डेड वॉलेट में लॉक कर देती है, लेकिन ये प्रयास अब तक सफल नहीं हुए है। इस बीच लॉन्ग टर्म शिब बर्निंग पहल के हिस्से के रूप में एक और 150 मिलियन मीम टोकन को बर्न कर दिया गया है। इस बीच पिछले हफ्ते कम्युनिटी 1 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न करने में सक्सेसफुल रही। कल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से अधिक बढ़ने के बाद क्रिप्टोकरेंसी बाजार विभिन्न कारणों के वजह से 3% से गिर गया, जिससे मीम टोकन्स का मार्केट कैप $15.8 बिलियन तक पहुंच गया। डॉजकॉइन ने 1.8% खो दिया और डोज फिलर मार्केट कैप के हिसाब से 10वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है। पिछले 24 घंटों में शिबा इनू की कीमतों में 2.03% की गिरावट देखी गई। इसके बावजूद अभी भी मार्केट कैप के हिसाब से शिबा इनू 15 सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी है। इथेरियम डेवलपर द्वारा द मर्ज की तारीख में 2 महीने से भी कम समय बचा है और इस घोषणा के जाहिर होने के बाद कई विकास हुए। सबसे पहले नेटवर्क के नेटिव टोकन इथर के मूल्य में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। दूसरी बात, इथेरियम के हैश रेट में 30 जून से 18.21% की गिरावट देखी गई है। एक्सचेंजेस पर संग्रहित इथेरियम की संख्या में भी भारी गिरावट देखी गई है, क्योंकि लगभग 25.13 मिलियन इथर एक बार एक्सचेंजेस पर आयोजित किए गए थे और आज केवल 22.77 मिलियन इथर, जिसकी कीमत लगभग $35 बिलियन होती है, उतने ही बचे हैं। एक अध्ययन से पता चलता है कि अगर डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिप्टो एसेट क्लास को अपनाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में क्रिप्टोकरेंसी अपनाने का दर बढ़ सकता है। व्यापारियों ने यूजर सर्वेक्षण में यह पाया कि दक्षिण अफ्रीकी पार्टिसिपेंट्स में से 53% को क्रिप्टो का बहुत कम या कोई ज्ञान नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि लगभग आधे पार्टिसिपेंट्स ने यह कहा कि अगर स्थानीय बैंक ऐसी सेवाएं प्रदान करती है तो वो डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए ओपन रहेंगे। फिनलैंड में नशीले पदार्थों के मामले में जब्त किए गए 1889 बिटकॉइंस को $46.5 मिलियन में बेचा गया है। देश के वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बिटकॉइन की बिक्री का पैसा ह्यूमैनिटेरियन सहायता और रिस्टोरेशन के लिए यूक्रेन को भेजा जाएगा, क्योंकि अभी भी वॉर जारी है। एक मैलिशियस एक्टर ने ऑडियस के डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस प्रपोजल के माध्यम से संगीत प्लेटफॉर्म ऑडियस से $6 मिलियन की चोरी की है। हैकर ने एक मैलिशियस प्रस्ताव बनाया जिसमें कम्युनिटी ट्रेजरी से 18 मिलियन ऑडियो टोकन को ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की गई थी। ऐसा माना जाता है कि कम्युनिटी ने इस एक्शन को अप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से हैकर ने $6 मिलियन के फंड्स को चोरी कर लिया।